नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशियत्री। बाजारों में इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर रौनक छाई हुई है। भाई बहन के इस अटूट बंधन पर दुकानों में राखियां सज गई हैं। इस पावन पर्व के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्टर 16A सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के महंत आचार्य लक्ष्मी नारायण जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि रक्षाबंधन पर पितृदोष का क्या प्रभाव होता है और रक्षाबंधन को क्यों और कैसे मनाते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इस पर पितृदोष का क्या असर होता है। जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और जहाँ तक जन जन तक आपकी आवाज़ पहुँचे उन सभी दर्शकों को नमो नारायण, शुभाशीष। और जो प्रश्न आपने किया है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और पितृदोष से इसका क्या तात्पर्य है। रक्षाबंधन आज की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में बहन भाइयों का विशेष मुख्य त्यौहार है, लेकिन वास्तविकता में यह रक्षाबंधन सिर्फ बहन भाइयों तक सीमित नहीं है। यह पिता पुत्र का भी, गुरु शिष्य का एवं समाज में जितने भी हम लोग हैं सबके बंधन का एक त्यौहार है। इसका नाम है रक्षाबंधन। जो अपने माध्यम से किसी की रक्षा कर सके उस रक्षा सूत्र में बांधने का एक त्यौहार है रक्षाबंधन। और जो आपने प्रश्न किया कि इसका पितृदोष या पितरों के साथ क्या तात्पर्य है, कोई भी त्यौहार हमारा निकलता है, किसी त्यौहार को हम मनाते हैं, किसी त्यौहार पर हम पूजा करते हैं, किसी देवता की पूजा करते हैं, किसी तीर्थ पर जाते हैं, सर्वप्रथम हमको अपने पितरों को पूजन करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल मिट्टी का कलश, ताम्र कलश, रजत यानी चांदी कलश, स्वर्ण कलश जो आपसे बन पड़े, तो एक मिट्टी कलश लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर, गंगा जल डालकर अपने पितरों का आह्वान करें, उसकी पूजा अपने पुरोहित से करवाएं, पुरोहित नहीं आ सकते अपने घर के बुजुर्ग से करवाएं, अपने माता पिता से करवाएं, स्वयं करें और उसमें अपने देवताओं का, अपने पितरों का आह्वान करें। इसके बाद पुरोहित के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं शुद्ध सूती कपड़े में पीली सरसों, चावल केसर से रंग के, रोली से रंग के उसकी छोटी सी पोटली बना लें और थोड़ा उसमें कलावा, मौली जिसको हम बोलते हैं, वो लंबा करके रेशमी धागा हो, रेशम की डोर हो, उससे उसको बांधकर ब्राह्मण के द्वारा अपने हाथ पर बंधवाएं। पुरुष दाहिने हाथ में, कन्या भी दाहिने हाथ में और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने बाएं हाथ पर बांधें, जिससे जीवन में हर प्रकार से हमारी रक्षा होती रहे। ये रक्षा सूत्र ब्राह्मण से हम बंधवाते, हाथ में कलावा बंधवाते। आज बच्चों को बड़ा शौक चढ़ गया है, वो मोटा सा बांध दीजिएगा गुरु जी। मोटे और छोटे से मतलब नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं से शांति हेतु, अनावश्यक बीमारियों से रक्षा हेतु, ग्रहों के शांतर्थ हम ये रक्षा सूत्र ब्राह्मण के हाथ से बंधवाते हैं। तो रक्षाबंधन वाले दिन सर्वप्रथम अपने पुरोहित से अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाएं। इसके बाद बहन अपने भाई को, माता अपने पुत्र को ही बांध सकती है, गुरु अपने शिष्य को परंपरा अनुसार ये रक्षा सूत्र अपने हाथ में बंधवाना चाहिए। आज के हमको युग के फैशन के साथ नहीं जाना कि राखी चांदी की होनी चाहिए, राखी जो है हीरा जड़ित होनी चाहिए, राखी कच्चे धागे का हो लेकिन उसमें प्रेम हो,
आज पड़ोसी देश चाइना के बड़े बने हुए पदार्थ हमारे भारत के व्यापार में विकसित हो रहे हैं। हम अपने उद्योग की, अपने व्यापार जगत की 65% राशि अपने हाथ से उस देश को दे रहे हैं जो हमारे देश का विरोध कर रहा है, जो हमारे भारत की भूमि को हत्याना चाहता है, जिसने हमारे पीठ में खंजर घोंपा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एवं अपनी ओर से यह प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि बहन भाई के हाथ पे राखी जरूर बांधे, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार, बेशक वो कच्चे सूत की बांधे, रेशमी धागे की बांधे, लेकिन चाइना की राखी ना बांधे। और इस बार तो रक्षाबंधन पर ग्रहण भी पड़ रहा है। पहले तो बहनें, पुरोहित एवं सभी लोग ये जान लें कि इस समय कुछ अवधि निश्चित की गई है शास्त्र नियम के अनुसार। 11:04 से लेकर 1:28 तक शुभ समय है जो भद्रा रहित है, इसी में राखी बांधें। और अगर कहीं जाना है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, उसके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है। ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पूर्व प्रारंभ होता है, चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो लगभग 9:15 जैसा उसका अंश है उसकी गणित के अनुसार उसका सूतक प्रारंभ होता है। पूर्णिमा वाले दिन ग्रहण का सूतक 1:29 से प्रारंभ हो जाएगा। और सायंकालीन सूतक समय रहेगा, इस समय में गर्भवती महिलाएं भोजन न करें। ग्रहण के समय तो निषेध है ही है, लोग पूछते हैं ग्रहण कितने बजे कितने देर पड़ रहा है, तो हम बता देते हैं उस समय को तो वो जो है उसकी पालना तो करते हैं, लेकिन सूतक के समय से ही भोजन त्याज्य है। बाल, वृद्ध, रोगी, इनको छोड़कर किसी को भी सूतक के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकालीन मंदिरों में पट बंद रहेंगे, सायंकालीन संध्या आरती नहीं होगी, ग्रहण समाप्त होगा, प्रातःकाल मंदिर का जो है साफ सफाई सब होकर गंगाजल इत्यादि से घर में छींटे लगाकर अपने घर में मंदिर के पट खोलें, ठाकुर जी की पूजा करें, आरती करें। यह ग्रहण क्योंकि मकर राशि में पड़ रहा है, मकर राशि वालों को ग्रहण का विशेष परहेज करना चाहिए। और वैसे मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इन सबको यह ग्रहण शुभ फलदायी रहेगा। अगर हम देश और प्रांत पर आए तो यवन राज की ओर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति वहाँ पर अपना प्रकोप दिखाएगी। पर्वतीय क्षेत्र जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिमाचल है, जम्मू है, कश्मीर है, यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के शांतर्थ, उनको शांति हेतु ही, जैसा हमने पहले भी आपको बताया, आपके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुँचाई कि अगर प्राकृतिक आपदाओं से बचना है, हम चाहें कि भूकंप से पीड़ा ना हो, हम चाहें अनावश्यक बरसात के कारण नुकसान ना हो, तो हमें अपने पितरों को पूजना पड़ेगा। जब जब हम अपने पितरों से, उनकी पूजा से, उनके आशीर्वाद से विमुख हुए, तब तब हमको
व्यापार में, परिवार में, समाज में संकटों का सामना करना पड़ता है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि बार बार प्रयास करने पर भी यदि हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जान लीजिएगा कि हमारे घर में, परिवार में, हमारी कुंडली में पितृ दोष है। बच्चे शादी योग्य हो गए हैं, कुंडलियों पर कुंडलियां मिला गए हैं, विवाह निश्चित नहीं हो पा रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब पितृ दोष है। शादी हो गई है, सारे टेस्ट करा लिए, सब दवाइयां खा ली, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो गई है, इसका मतलब पितृ दोष है। इसके लिए हमें कहीं किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम अपनी दृष्टि स्वयं देख सकते हैं। तात्पर्य, भगवान राम और कृष्ण भी अवतारी पुरुष जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, मानव शरीर को धारण किया, पृथ्वी को स्पर्श किया, वो पितृ दोष से वंचित नहीं रह सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के अंदर लिखते हैं कि चित जल पावक गगन संभीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन पांच तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है। अगर पृथ्वी का तत्व हमारे शरीर में है तो हमारे जीवन में मोह होना अति आवश्यक है। मोह होगा, वो बात अलग है, कहीं बहुत तो कहीं थोड़ा। अगर अग्नि का तत्व हमारे शरीर में है तो क्रोध होना भी आवश्यक है। कोई कितना चाहे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, अकारण भी क्रोध आएगा। हाँ, अपने नियम संयम के द्वारा इसको आप कम कर सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि मुझे क्रोध नहीं आता, तो पृथ्वी को स्पर्श करने वाला, अग्नि के तत्व में रहने वाला जीव क्रोध से कभी मुक्त हो नहीं सकता। अगर आकाश का तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है तो हम लोभ से परे हो नहीं सकते। अगर वायु का तत्व हमारे शरीर में विलीन है तो हम अपनी इच्छाओं को कभी सीमित नहीं कर सकते। आशा, इच्छा, मोह, ये संसारी जीव में नहीं, संसारी नहीं, ये पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, जलचर में, थलचर में, नवचर में, देव में, मनुष्य में, किन्नर में, राक्षस में, प्रेत में, भूत में, सब में विद्यमान है। और इसी कारण से हम सभी जानते हैं कि साथ कुछ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना, लेकिन फिर भी इच्छाओं से मनुष्य की निवृत्ति नहीं होती है। मोह से ये जीव दूर नहीं हो पाता, जानबूझकर भी। ये भगवान की अप्रत्यक्ष न दिखने वाली माया है कि ज्ञानी से ज्ञानी भी इनसे परे नहीं है, ना काम से, ना क्रोध से, ना लोभ से, ना मोह से, ना अहंकार से। योगी, यति, सती, पीर, पैगंबर, दिगंबर, संत महात्मा, हंस, परमहंस, वो भी इनसे मुक्त नहीं हो पाए। अगर इनसे कोई मुक्त है, कोई इनसे परे है, तो उसका नाम है परमात्मा। यूं तो संसार में जीवित 84 लाख योनियों के अंदर सभी दोष से परिपूर्ण है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो। अगर व्यक्ति के जीवन में 99% 99% अच्छाइयाँ होंगी तो कहीं एक बुराई भी अवश्य होगी, और अगर 99% बुराइयाँ हैं, 99%
बुराइयां हैं तो एक अच्छाई भी अवश्य होगी। अवतारों में भी हमारे शास्त्र के अनुसार 24 अवतार हुए हैं, 23 अवतार हो चुके हैं और एक अवतार अभी बाकी है, वह है कलयुग का अवतार। कलयुग के दो अवतार हैं, बौद्ध अवतार और कल की अवतार। बौद्ध अवतार हो चुका है और आज जो चीन अपने ऊपर अहम करता है, हमारे 23वां अवतार बौद्ध अवतार भारतवर्ष की भूमि पर, जो आज चीन जिसको कब्जा करके बैठा हुआ है, यही हुआ है। 24वां अवतार हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर संभल नामक गांव में होगा, ब्राह्मण के यहाँ होगा, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे, वहाँ भगवान का कल की अवतार होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अवतारों में भी जो 23 अवतार हुए हैं, इन 23 अवतारों में अगर 16 कला संपन्न किसी की हुई हैं तो वो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। अब आप देखिए, हम हास्य तो करते हैं कि भगवान की अनगिनत रानियां पटरानियां 16108, आज के इस महंगाई के युग में एक पत्नी दो बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उस योगी राज श्री कृष्ण को देखिए, ये तो एक लिखित प्रमाण है। जैसे हमारे भारतवर्ष की संख्या जनगणना वाले बताते हैं कि 125 सवासो करोड़, अगर ये तो वो हैं जिनका आपके पास रिकॉर्ड है, और जिनका रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी संख्या हमारी चीन से ज़्यादा है। तात्पर्य, ये 16108 तो ग्रंथों में निश्चित हैं, और जिन्होंने अटूट भगवान के साथ प्रेम किया, अपने हृदय में योगीराज श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया, जो जिसने देखा ही नहीं, ऐसा प्रमाण है। आज युग आ रहा है कि पहले जो है सारी .com पर सारा इंटरव्यू है, सारी जानकारी, बायोडाटा, ये सब पहले आदान प्रदान होता है। अरे हमारा इतिहास तो ये कहता है, जिसने भगवान को देखा ही नहीं, सिर्फ भगवान के नाम की महिमा सुनी और उनको अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी भावनाओं में, अपनी श्रद्धा में उनको पति रूप में प्राप्त कर लिया, उनको अपना पति मान लिया, प्रमाण मिलता है। रुक्मणी ने भगवान को देखा नहीं था, रुक्मणी ने भगवान को देखा नहीं था, नारद जी से महिमा सुनी थी। और भगवान की 16108 पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया किसने? मैया रुक्मणी जी ने। भागवत कथा होती है, 16108 रानियों का विवाह भागवत कथा में कोई व्यास नहीं दिखाते, कोई व्यास नहीं सुनाते, मुख्य मुख्य, लेकिन विवाह जो दिखाते हैं, मुख्य मुख्य विवाह सुनाते, लेकिन दिखाते जो हैं, दृश्य आज देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी जी का। ये था बिना देखे। और आदि युगादि, जैसे भगवान शंकर से जगत जननी माँ पार्वती ने स्नेह किया, अटूट बंधन बांधा कि जन्म लाग ये रगड़ हमारी और बगहूँ शंभु नहीं रहूँ कुमारी। इसी प्रकार योगी का ब्रह्म परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा श्री राधा, दो शरीर जरूर हैं लेकिन प्राण दोनों के एक हैं। उन्होंने हर मंदिर के अंदर भगवान के साथ खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त किया। रुक्मणी कृष्ण की मूर्ति आपको कहीं किसी मंदिर में, देवालय में, पूजा स्थान में नहीं मिलेगी, राधा कृष्ण, ये सौभाग्य राधा जी ने प्राप्त किया। भक्ति में अगर स्थान प्राप्त किया तो मीरा के साथ
भगवान कृष्ण। देखा नहीं है मीरा ने भी, भगवान को देखा नहीं है, गुरुमुख से सुना है और उसी समय संकल्प कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके शीस मोर मुकुट मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कहने का तात्पर्य, 23 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण की 16 कला संपन्न हुई और इसलिए प्रेत मोक्ष के लिए, पितृ शांति के लिए रामचरितमानस नहीं, महाभारत पुराण नहीं, शिव पुराण नहीं, हरिवंश पुराण नहीं, श्रीमद् भागवत प्रेत मोक्ष प्रदो भव। अगर प्रेत योनि से मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत के द्वारा। भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले भागवत जी का महात्म्यम है, उसमें धुंधकारी कथा है। धुंधकारी नामक एक प्रेत था, उसकी अगर मुक्ति हुई तो श्रीमद् भागवत के द्वारा। तो जब प्रेत की मुक्ति हो सकती है तो हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? हम पिछले 7 माह से पितृ मोक्ष हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध, पितृ गायत्री महायज्ञ करते हुए आ रहे हैं। 8वें माह की आहुति 21 अगस्त को होगी, जिसका देव पितृ पूजन आवाहन संकल्प 18 तारीख को होगा। 18 अगस्त को, 21 अगस्त को पूर्ण आहुति जाएगी और इन 8 महीने में हमने अपने पितरों को जागृत करने का प्रयास किया है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति एक गिलास पानी नहीं पी सकता, हमारी कोई बात नहीं सुन सकता, इसी प्रकार से नाना प्रकार के हम पुण्य कर्म अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। गंगा स्नान भी कर रहे हैं, भागवत जी का मूल पाठ भी कर रहे हैं, गीता जी का पाठ भी कर रहे हैं, हैं, और जो हमको बताया जाता है वो हम कर रहे हैं। ब्राह्मण के पास गए, ज्योतिषी के पास गए, उसने बताया कि आपको कुंडली में पितृ दोष है, क्या करें महाराज? बोले गायत्री जाप कर लो, करा दिया। क्या करें महाराज? बोले भागवत जी का मूल पाठ कर लो, करा दिया। क्या करें महाराज? दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा, करा दिया। सब कुछ करा दिया, लेकिन उसके बाद भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो गई, ना रोग घर से जा रहा है, ना व्यापार में वृद्धि हो रही है, ना बच्चों की शादी हो रही है, ना बच्चे जो है उच्च स्थान पर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। उसका कारण सोए हुए व्यक्ति को कहानी सुनाना। जब तक हमारे पितृ जागृत नहीं होंगे तब तक वो हमारे दिए हुए पुण्य कर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? पितरों को जागृत करने के लिए ही हम 7 माह से प्रयास कर रहे हैं। 8वां मास 21 अगस्त को पूर्ण आहुति होगी और जब ये सब पितृ लोग जागृत हो जाएंगे तो इनके मोक्ष के लिए सभी यजमानों के द्वारा उनके पितरों को विधिवत श्रीमद् भागवत जी का मूल पुराण पाठ श्रवण कराया जाएगा, जिसके द्वारा उनकी मोक्ष होगा। उनको भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु चरणों में समर्पित करेंगे कि प्रभु अब आप इनको अपनी शरण में रखें, हमारे घर में, परिवार में, व्यापार में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना के साथ हम अगर भगवान के चरणों में फल समर्पित करेंगे और हम कोई भी अगर कार्य करें, कोई व्रत करें, चाहे सोमवार का व्रत करें, श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण के महीने में कई त्यौहार ऐसे आते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हरियाली मावस, हरियाली तीज, भगवान शिव की चतुर्दशी, जो भक्त लोग दूर दूर से कांवड़ लेके आते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, ये सब श्रावण मास में आता है, हरिताल का तीज, नाग पंचमी, और प्रारंभ से लेकर अंत तक त्यौहार से भरा हुआ है श्रावण मास। श्रावण मास में ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिसके विषय में हम विशेष करके बताने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ बहन भाइयों का त्यौहार नहीं है। बहन भाई के हाथ में एक धागा बांधकर एक आशा करती है
और भाई बहन को एक वचन देता है। भगवान के सुदर्शन चक्र से जिस समय रक्तपात हो रहा था भगवान की उंगली से, द्रौपदी जी ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान की जो है उंगली पर बांध दिया। उस थोड़े से कपड़े की लीर से, चीर से भगवान ने उसको कितना फल दिया कि जब दुशासन पूरे समाज के अंदर द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है, साड़ी खींचते 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 हार गया और भगवान ने साड़ियों के ऐसे ढेर लगा दिए कि दुशासन के सामने तो क्या, जितने वहां पंच, जितने समाज में बैठे थे, जितने कौरव पांडव भीष्म पितामह हैं, अब उनको यह भी पता नहीं लग रहा कि यहां द्रौपदी कहां है। द्रौपदी साड़ी के ढेर में अपने आप को गोपनीय हो गई। भगवान ने इतने ढेर लगा दिए कि दुशासन खुद नहीं देख पाएगा साड़ी है या नारी है, साड़ी है या नारी है, नारी है या साड़ी है, साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, पता नहीं लग रहा। तो ये भगवान की कृपा है, ये एक सिर्फ सूत्र बंधन का ही फल है। दान के द्वारा, ये परोपकार के द्वारा भगवान को अपना बना लिया, भगवान को ऋणी बना लिया द्रौपदी ने, और दान के द्वारा महाराज बलि ने भगवान को ऋणी बना लिया। भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जब भगवान से दो पग में सारी भूमि को, पृथ्वी लोक देवलोक सबको नाप दिया और कहा कि अब तीसरा पग में कहां रखूं राजन, महाराज आपने भूमि पृथ्वी लोक और देवलोक को नापा है, अभी आपका दास बाकी है, अपना मस्तक श्री चरणों में झुका दिया और भगवान ने अपना अंगूठा बलि के सिर पर रखा, तालु छिद्र फटा, जल धारा निकली, उसी से माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से कहिए गंगे मैया की जय। शीतल जल से चरणों तक का धोवन हुआ, भगवान प्रसन्न हुए कि बलि वरदान मांगो। बोले प्रभु सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, आपसे क्या मांगो? कुछ खोकर भी तुमने। प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं तो आपको आपसे ही मांगता हूँ। आप मेरे यहाँ इसी स्वरूप में विराजमान रहें, मेरे पे कृपा दृष्टि बरसाए रखें। इंद्र का पद प्राप्त होगा। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान द्वार पर तक तुम सुतल लोक में पहरेदार के रूप में अपने दादा महाराज प्रह्लाद के साथ आनंद पूर्वक यहाँ करो। हमारे शास्त्र में एक मंत्र आया है, येन वद्दो बलि राजा। अरे बहन तू भाई को रक्षा बांध रही है, कैसे बांध? जैसे बलि ने भगवान को बांध लिया। येन वद्दो बलि राजा, बहन ने कहा ठीक है भैया मैं इसका अनुसरण करूंगी, लेकिन तुम भी कुछ अनुसरण करो। जैसे राजा बलि ने दान दिया, समय समय पर अगर मेरे ऊपर कोई आपदा आए, कोई विपदा आए, तुम तन से मेरा साथ देना, मन से मेरा साथ देना, और कभी आवश्यकता पड़ जाए तो धन से भैया मुंह मत मोड़ लेना। ये न बद्दो बलि राजा, आपने बंधवा तो लिया लेकिन दान वेंद्रो महाबल, दान भैया उसी हिसाब से करना जो महाराज बलि ने किया। आज भी ये परंपरा चली आ गई है, भाई रक्षा बंधवाता है, राखी बंधवाता है, तो जो उससे बन पड़ता है पान फूल पुष्प अर्पण करता है बहन को। ये न बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल। और जब बहन और भाई, गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, राजा और मंत्री, राजा और प्रजा जब इस बंधन का पालन करते हैं, भक्त और भगवान भी यदि इस बंधन का पालन करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं,
होली का तिलक लगाया, चावल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, मीठा चढ़ाया, फल चढ़ाया, जल चढ़ाया, कलावा तोड़ के चढ़ाया, इसका लॉजिक नहीं पता। हमारी सास करती थी तो बहू भी देख कर कर रही है, पिता करता था पुत्र भी देख कर कर रहा है, लेकिन हमको इसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। हम अपने लक्ष्य पर ही रहें तो हम बता गए थे, ये नद्दो बलि राजा दान बेंद्रो महावला, अगर दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो परमात्मा कहते हैं तेरा त्वाम प्रतिबंधनामी, तेरा त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे मा चल मा चल। अगर तुम दोनों इस बंधन का पालन करोगे तो मैं पग 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 तुम्हारा सहायक बनकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं इस रक्षाबंधन के त्यौहार से कि समाज के अंदर, देश के अंदर, विश्व के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे आचार्य लक्ष्मीनारायण महाराज जी, जिन्होंने रक्षाबंधन कैसे मनाएं और रक्षाबंधन पर पितृदोष का क्या असर होता है, इन सब के बारे में बताया। साथ ही इन्होंने इस बार रक्षाबंधन पर लगने वाले ग्रहण के बारे में भी बताया कि बहनों को रक्षाबंधन के दिन किस समय राखी बांधनी है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए।